ट्रिग्नोमेट्री की उसी सीरीज में जो है आज एक बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। किस बेस पर रखता है? जब थीटा की वैल्यू इक्वल हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल का टोटल यदि 90 है तो इन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, एक दूसरे के पूरक। यहां से बीटा की वैल्यू आएगी 90 माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन 90 माइनस क्या होता है? कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ गई? 1। सो डायरेक्ट एक फार्मूला क्रिएट कर लेंगे यहाँ से, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 1 तभी पॉसिबल होगी जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। दो साइन स्क्वायर का टोटल 1 हो जाएगा कब? जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। यहां से सेम कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी वैल्यू भी 1 तभी पॉसिबल होगी जब इन दोनों का टोटल कितना होगा? 90। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 85। इस क्वेश्चन कैलकुलेट करना, इस पर गौर करिए, ये सभी साइन स्क्वायर हैं और प्लस में भी है। 5 और 85, इन दोनों का टोटल 90 हो रहा, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वैल्यू कितनी आएगी? 1। कब? अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा? 90 आ रहा। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं 25 और 65, इन दोनों का टोटल कितना आ रहा? 90, सो इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 1। और ये क्वेश्चन प्लस में चल रहा, सी 1 आ गया। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर लगा सो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। 1+1 प्लस 1/2, टोटल वैल्यू आएगी 2/1/2। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2.5। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, काउंट करते हैं केवल साइन स्क्वायर, काउंट करिए ओनली साइन स्क्वायर, जिसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कितने? 5। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा लास्ट में 90 नहीं होना चाहिए, 85 है, लास्ट में 90 नहीं होना चाहिए, लास्ट में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। और यदि है तो उसे सीरीज से हटा देंगे और फिर बाद में उसे सीरीज में काउंट कर लेंगे। यहां पर ऐसा कोई कुछ नहीं है, लास्ट में 90 नहीं है, सो ध्यान दीजिएगा 1 2
थ्री फोर फाइव, जितने साइन स्क्वायर हैं आप उनका हाफ कर दें, सीधे सीधे इसका आंसर आएगा 2.5। नोट करिए, इसके आगे हम लोग ट्राई करते हैं इसी मेथड से जो है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर नाइन, साइन स्क्वायर 89। इसका देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। इसके पहले वाले मेथड में हमने आपको बताया था, या तो आप एक एक करके काउंट कर लीजिए, या सबसे अच्छा प्रोसेस इसका है, इसमें कितने साइन स्क्वायर हैं, जितने साइन स्क्वायर हैं उनको काउंट कर लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वही इसका आंसर रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है, काउंट करते समय ध्यान रखिएगा लास्ट में 90 नहीं है, लास्ट में 90 नहीं होना चाहिए। लास्ट में यदि 90 आता है तो 90 वाले पार्ट को अलग कर देंगे, 90 वाले पार्ट को अलग कर देंगे। काउंट करते हैं, इसमें काउंट करने का भी सिस्टम है। ये सीरीज में डिफरेंस ऑलवेज बराबर ही चलेंगे, और काउंट करने का रूल है लास्ट माइनस फर्स्ट अपान में डिफरेंस और प्लस वन। ये काउंट करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिनमें डिफरेंसेस वाली सीरीज होती है। लास्ट क्या लिखा है 89, माइनस फर्स्ट क्या लिखा है 1, अपान में डिफरेंस कितना कितना चल रहा 4 और प्लस 1। 89 माइनस 1 88, 88/4 22 प्लस 1, 22 और 1 30। सो यहां से ये क्लियर हो गया कि इस सीरीज में 23 साइन स्क्वायर है और इसे कैलकुलेट करना है, सो सीधे 23 का आधा कर देंगे, आधा करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 11.5। ये इसका आंसर है। तो जितने भी क्वेश्चन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस वाले हैं, आप सिर्फ काउंट कर लीजिए कितने साइन स्क्वायर है या कितने कॉस स्क्वायर है, हाफ कर दें सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन कंडीशन याद रखेंगे लास्ट में 90 नहीं होना चाहिए, यदि है तो उसे अलग कर लीजिए, पहले आंसर कैलकुलेट कर लो, बाद में साइन 90 की वैल्यू आप 1 रखिए। वो क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 6 प्लस डॉट डॉट, साइन स्क्वायर 84 प्लस साइन स्क्वायर 85। यहाँ चेक कर लीजिए 90 तो नहीं है, नहीं है, कंफर्म कर ले सबसे पहले। अब अभी हमने आपको एक रूल बताया कि साइन स्क्वायर वाला कोई क्वेश्चन प्लस में है, उसमें केवल और केवल आप साइन स्क्वायर काउंट कर लो कितने, यानी गिन लीजिए कितने साइन स्क्वायर है, जितने साइन स्क्वायर है उनका आधा कर दीजिए, वही उसका आंसर होता है। एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम लोग मुश्किल से 5-10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। काउंट करने का फार्मूला भी बताया हमने आपको, लास्ट माइनस फर्स्ट और अपान में इनमें डिफरेंस और प्लस वन। लास्ट में क्या लिखा है 85 और स्टार्टिंग में क्या लिखा है 5, अपान में क्या डिफरेंस चल रहा 1 का और प्लस 1। 85 में 5 गया 80 और प्लस 1 81। हमने आपको बताया था जितने साइन स्क्वायर है उसका आधा कर देंगे तो वही उसका आंसर आ जाएगा। तो कितनी संख्या में साइन स्क्वायर हैं 81, आधा करिए 81/2,
इसका आधा करें कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 40.5। वैसे इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग काउंटिंग तो जानते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपसे कहा जाए ये यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, 85। यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर हैं, 85। और आप देख सकते हो 5, 6, 7, 8, 84, 85, ये संख्या तो लिखा है ना। तो यार शुरुआत में कितना कम है, 1, 2, 3, 4, 4 सीरीज का आंसर आ जाएगा, 85 माइनस 4 81, और 81 आ जाएगा तो इसका आधा कर दो तो सीधे इसका आंसर आ जाएगा। तो जहाँ ये ज़रूरत है फॉर्मूले की यूज करिए, और जहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज हो सकता है वो डायरेक्ट यूज करो। इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला बता दिया गया है तो आप अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर दें, फॉर्मूले में ही यूज हो जाए। ये काउंटिंग लिखिए, 1 से लेके 84, 85 तक शुरुआत में कितना कम है, 4। 1 से लेके 85 तक में ये शुरुआत यहाँ से है 5 से, इतनी संख्या नहीं है, 1, 2, 3, 4, 85 में 4 कम कर दो, 81 आ गया। नोट कर लीजिए इसका आंसर जो है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम लोग कि लास्ट में 90 चेक करना है, वो एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है, sin² 5, sin² 10, sin² 15, sin² 85 और sin² 90। जितने भी sin² है उनको काउंट करना है और उसका जस्ट आधा करना है, वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि हमने आपको बताया भी था कि sin² 90 है तो उसको सीरीज से अलग कर दीजिए, इसे हम लोग सीरीज से अलग कर देते हैं। काउंटिंग करने के लिए अब तक तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान में डिफरेंस क्या क्या चल रहा, 5, 10, 15, 5-5 का डिफरेंस चल रहा ना, अपान में 5, और क्या लिखेंगे, +1। 85 में 5 गया 80, 80/5 = 16, और 16 और 1 = 17। अभी ये ना कन्फर्म हो पाया हो तो फिर से फार्मूला आप एक बार लिख सकते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट अपान में डिफरेंस +1। ये डिफरेंस किसका है, ये जो नंबर है टर्म है इनका डिफरेंस, 5, 10, 15 कितना कितना डिफरेंस आ रहा, 5-5 का डिफरेंस आ रहा। यहाँ से हम लोग ने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ sin² कितना, 17। हम ये जो 17 है साइन इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक sin² कितने हैं, 17। और 17 का यदि आधा कर दिया जाए तो वैल्यू होती है 8.5। यानी इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर लिया और जिसकी वैल्यू है 8.5। अब हमें इसे भी ऐड करना है और हम लोग जानते हैं sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, प्लस करना है सो ये इधर ले आए, +1, 8.5 और +1 कितना आ जाएगा आंसर, 9.5। सो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9.5। जितने भी sin² cos² वाले क्वेश्चन में केवल आपको ये देखना है कितने sin² है, सीरीज में 90 तो नहीं है, है तो इसे हटा देंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर कंटिन्यू करते हैं इसमें। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हम लोग जो है क्वाड्रेंटी से सॉल्व करते हैं चतुर्थांश से, क्वेश्चन क्या है, sin 10 sin 20 plus ... sin 340 sin 350। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें क्लियर हो रहा है कि ये 10 है और ये 20 है, क्या डिफरेंस है इसके बीच में, 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 40 और 50 क्या डिफरेंस है, 10 का। यानी एक ऐसी सीरीज साइन की है प्लस में
जिसमें 10-10 का डिफरेंस होता जा रहा। यदि बात करें क्वाड्रेंट की, ये 0 डिग्री, ये 90, यहाँ तक 180, 270 और 360। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम लोग इस क्वाड्रेंट से ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक बैलेंस क्वेश्चन है जिनमें हर एक स्टेप में डिफरेंस कितना कितना है, 10 का। साइन के बारे में हम लोगों को पता है कि साइन फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, यानी 0 से लेके 180 तक साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। और 180 से 360 तक साइन कैसा रहता है, नेगेटिव। जैसे इसमें गौर किया जाए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10-10 करके 180 तक, यानी 10-10 का ग्रुप बनाए तो 10-20 करके 180 तक पॉजिटिव, और सेम इसी में 10-10 करके नेगेटिव। यानी इस सीरीज में आधे साइन पॉजिटिव होंगे और आधे साइन कैसे होंगे, नेगेटिव। सो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। क्लियर हुआ? इसी में एक क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, कॉस 10 प्लस कॉस 20 प्लस कॉस 30 कॉस 0 प्लस कॉस 10 प्लस कॉस 20 प्लस कॉस 30 प्लस डॉट डॉट, ये जा रहा है कॉस 180। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप यहां पर देखिए, 0 से लेके सीरीज 180 तक गई है और सब में डिफरेंस कितना कितना है, 10-10 का। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180, 270। अब ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये हम लोग अपने क्वाड्रेंट चतुर्थांश से ही सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, कॉस। कॉस फर्स्ट में कैसा रहता है, पॉजिटिव, और कॉस सेकंड में कैसा रहता है, नेगेटिव। 0 से 180 तक आधे कॉस पॉजिटिव होंगे और आधे कॉस कैसे होंगे, नेगेटिव। सारी पॉजिटिव वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में, इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी सीरीज में, साइन स्क्वायर पाई बाई 40 प्लस साइन स्क्वायर 2π/40 प्लस 3 sin² 3π/40 प्लस डॉट डॉट साइन स्क्वायर 20π/40। अब हम लोग के सामने एक क्वेश्चन आ गया साइन स्क्वायर में, ये वही क्वेश्चन है हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किया था कि जितने भी साइन स्क्वायर हैं उनको काउंट कर लीजिए और उसका आधा कर दीजिए, वो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर काउंट करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पाई बाई 40, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री, पाई रेडियन होता है। लेकिन साइन स्क्वायर काउंट करने से पहले हमने आपको बताया था जो लास्ट टर्म है वो 90 नहीं होना चाहिए, है तो उसे सीरीज से अलग कर देते हैं। 20/40 यानी जो वैल्यू लिखी है ये साइन स्क्वायर π/2 और π/2 90 डिग्री होता है, सो इसे सीरीज से अलग कर देंगे। ये जो वैल्यू लिखी है साइन स्क्वायर 90 लिखा है, इसके पहले साइन स्क्वायर 19π/40। अब इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर काउंट करने की जरूरत नहीं है, पाई 2π
थ्री पाई डॉट 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 19 पाई, वन टू थ्री, यानी कहने का मतलब ये एक से लेके 19 तक साइन स्क्वायर है, एक से लेके 19 तक साइन स्क्वायर है, यानी यहां से यहां तक काउंट कर लिया हम लोगों ने, कितने साइन स्क्वायर है 19 दिख रहा, देखिए 1, 2, 3 और ये 19, और जितने साइन स्क्वायर होते हैं उनका जस्ट आधा कर दो उसका आंसर आता है 19 बाई 2 कितना आएगा 9.5। लेकिन लास्ट में जिसे आपने अलग किया उसे मत भूलिएगा, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1, सो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 10.5। यहाँ पर पाई बाई 40 से घबराने की जरूरत नहीं, परेशान की जरूरत नहीं, रूल अपना वही फॉलो करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में देखा हमने कि जितने साइन स्क्वायर हैं उनको काउंट कर लीजिए, उनका जस्ट आधा कर दें, वो उस क्वेश्चन की वैल्यू आ जाएगी। कंडीशन पे ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर 90 को सीरीज में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि साइन 90 ऑलरेडी 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 इस क्वेश्चन में था उसे अलग कर लिया, उसको हटा के हमने काउंट किया कितने साइन है, कितने साइन इसमें 19, और उसका आधा कर दिया 9.5 प्लस 1 10.5। नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में देखते हैं। एक क्वेश्चन है 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट और इज इक्वल टू में लिखा है 4 रूट 3 लिखा है, 4 प्लस 2 रूट 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये एक जीपी सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी में आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ अप टू इन्फिनाइट। इस सीरीज के यदि सम चाहिए 1 अपॉन 1 माइनस x, ये गुणोत्तर श्रेणी होती है जीपी सीरीज, सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट हम लोग सम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे 1 अपॉन 1 माइनस x कितना है साइन एक्स, एक्स कितना है बताइए साइन एक्स, और इज इक्वल टू कितना लिखा है 4 प्लस 2 रूट 3। अब एक काम करते हैं, इसमें इसका कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, इसका कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी क्या होगा 4 माइनस 2 रूट 3 और अपान में 4 माइनस 2 रूट 3। ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 × 3 = 12 और अपान में क्या लिखा 4 माइनस 2 रूट 3 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इस वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, इसे ऊपर कर दीजिए इसे नीचे कर दीजिए, 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू इसे नीचे इसे ऊपर, जब इधर रिवर्स किया वैल्यू तो इधर भी रिवर्स कर दीजिए 4 माइनस 2 रूट 3 और 16 में 12 गया कितना आएगा 4। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से 4 कैंसिल 1, इसमें इसमें कैंसिल 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, सो वैल्यू कितनी आएगी √3, यहाँ से 2 कैंसिल करो कितना आएगा 2, 1 माइनस साइन एक्स। 1 से 1 कैंसिल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स इज इक्वल टू ये √3 बाई वैल्यू साइन में कितनी होती है साइन 60, सो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेन इंपॉर्टेंट रोल था ये जीपी के इनफाइनाइट टर्म का समय 1 अपॉन 1 माइनस एक्स।
वन अपान वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जो लिखा है वो इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसे बस सिंप्लीफाई करना है, और जैसे सिंप्लीफाई करेंगे सो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, अब नोट करिए इसे।